सो वी आर फाइनली इन दुबई। पीछे वाली बिल्डिंग देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, बुर्ज खलीफा। इस बिल्डिंग को दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग कहा जाता है। उसी तरह के लंबे रिकॉर्ड्स और लंबी पारियां इस वर्ल्ड कप में हमें देखने मिलेगी। कौन सी टीम खेलेगी, कैसा होगा दुबई का कंडीशन टीम्स के लिए और कौन होंगे फाइनलिस्ट और सेमी फाइनलिस्ट, हमारे अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं इन विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंट द आउटसाइड व्यू। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री देखें तो पास्ट 8 एडिशन से एक टीम का डोमिनेंस हमेशा ही रहा है, वो रही है ऑस्ट्रेलिया। अब क्या बाकी टीम्स ऑस्ट्रेलिया से इस बार वो ट्रॉफी छीन पाएंगे? क्या वो टीम इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, फिर और कोई टीम हो सकती है? आप सोचिए और ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। सो इस वर्ल्ड कप में टोटल 10 टीम्स खेलेंगे, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में होंगी 5 टीम्स और ग्रुप बी में 5। ग्रुप ए को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जाता है क्योंकि ग्रुप ए में होंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और इन फॉर्म श्रीलंका। पाकिस्तान भी वक्त आने पर बाकी टीम्स पर भारी पड़ सकती है। ग्रुप बी के कंपैरिजन ग्रुप ए में सेमीफाइनलिस्ट ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना धमाल मूवी में W ढूंढना मुश्किल था। दुबई के क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे समर का मौसम तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में UAE में अक्टूबर नवंबर में खेला गया था और वहाँ पे ह्यूमिडिटी के चलते प्लेयर्स जल्दी थक जाते थे। उसी के चलते फिटनेस यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पर देखा जाए तो ये पिचेस स्पिनर्स के लिए काफी मदद करेगी। जब डे और नाइट मैचेस खेले जाएंगे तब सेकेंड इनिंग्स में ड्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और डिफेंडिंग टीम के लिए बॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ चेजिंग टीम इजीली रन बना सकती है। इसीलिए जो टीम टॉस जीतेगी वही टीम कंडीशंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकती है कि उन्हें बल्लेबाजी करनी है या फिर गेंदबाजी। दुबई में मैचेस होने वाले हैं तो दुबई के बारे में कुछ फैक्ट जानना तो जरूरी है। 85% पॉपुलेशन ऐसी है जो बाहर कंट्री से यहाँ पर आई है, बस 15% ऑफ पॉपुलेशन जिनका ओरिजिन UAE है। दुबई में कॉफी लवर्स के लिए एक डेडिकेटेड कॉफी म्यूजियम है जहाँ पे वो वैरायटी ऑफ कॉफी टेस्ट कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है जो कि एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। अब क्या ये फैक्ट्स आप जानते थे? अगर हाँ तो ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और कोई फैक्ट जो आप दुबई के बारे में जानते होंगे और कोई नई प्लेस जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सभी टीम्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ बाकी टीम्स भी तगड़ी तैयारी के साथ आएंगे। श्रीलंका जो अभी अभी एशिया कप जीत कर आ रही है वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ हमें देखने मिलेगी। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड भी चाहेगी कि उनके कैबिनेट में और एक ट्रॉफी ऐड हो। उसी के साथ बाकी टीम्स भी चाहेगी कि उनके कैबिनेट में इस वर्ल्ड कप की पहली ट्रॉफी उनके नाम आए। अब बारी आती है प्रेडिक्शंस की कि कौन होंगे हमारे सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट। ग्रुप ए में हमारे अकॉर्डिंग होंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और ग्रुप बी में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। सेमीफाइनल 1 खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच और सेमीफाइनल 2 ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। फाइनलिस्ट हमारे अकॉर्डिंग होंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करेगी स्किपर हरमनप्रीत कौर की टीम इंडिया। हम विमेंस क्रिकेट जोन यहाँ पर दोनों वेन्यूज पर ट्रैवल करेंगे और मैच के अपडेट्स, फैन इंटरेक्शन और स्टेडियम में कैसा वाइब होगा ये आप तक पहुंचाएंगे इन विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू।